वैक्सीन लगवाने पहुंची आजम खान की पत्नी का छलक रहा था दर्द। आपको बता दें कि कहा आजम खान अभी स्वस्थ नहीं है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर के सांसद मोहम्मद आजम खान की पत्नी और रामपुर की नगर विधायक डॉक्टर ताजिन फातिमा कोरोना की वैक्सीन लगवाने जिला अस्पताल पहुंची। वैक्सीन लगवाने के बाद उन्होंने मीडिया से मुखावित होते हुए कहा कि अभी आजम खान पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें जेल ट्रांसफ़र किया जा रहा है। इसके पीछे क्या वजह है और सरकार की क्या नीति है, वह नहीं समझ पा रही है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान की पत्नी और डॉक्टर तजीन फातिमा ने रामपुर के जिला अस्पताल पहुंचकर कोरोना वैक्सीनेशन करवाया। वैक्सीनेशन के बाद मीडिया से बात करते हुए उनका दर्द छलक रहा था। उन्हें वैक्सीनेशन की सुई से ज़्यादा दर्द इस बात से था कि उनके पति और रामपुर के सांसद मोहम्मद आजम खान, जो पिछले 1.5 साल से सीतापुर जेल में बंद हैं और पिछले दिनों कोरोना पॉजिटिव होने के बाद लखनऊ के मेदाता अस्पताल में भर्ती थे, उन्हें फिर सीतापुर जेल शिफ्ट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आजम खान अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए, कोरोना के बाद उन्होंने वाली स्वास्थ्य में दिक्कत अभी भी है, लेकिन फिर भी उन्हें जेल शिफ्ट किया जा रहा है। इसके पीछे क्या वजह है और सरकार की क्या नीयत है, उसे समझ से बाहर हो रहा है। आपको बता दें कि रामपुर जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के विजय पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से पूरे प्रदेश में किया गया वैसे ही रामपुर में भी हुआ है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि 2022 के चुनाव में प्रदेश में एक बार फिर समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। मेरा संदेश है कि हर व्यक्ति को वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए। अच्छा मंत्री जी को जो है आप जो आज जो है वो ठीक हो गए, सीतापुर जेल के लिए ट्रांसफर कराया जा रहा है। देखिए मंत्री जी स्वस्थ नहीं है अभी, उन्हें पोस्ट कोविड बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन मैं नहीं जानती किन परिस्थितियों में और किन कारणों से उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है, क्या साजिश है या कोई और कारण है, मैं नहीं जानती। 1.5 साल से ज़्यादा उन्हें जेल में हो गया, लेकिन अभी तक जो उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है, इसको लेकर देखिए इसको लेकर मैं कुछ नहीं कह सकती क्या वजूहत है, लेकिन ये ज़रूर जानती हूँ कि फ़िलहाल उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उन्हें किन कारणों से किन परिस्थितियों में किन साजिशों की वजह से एक बीमार इंसान को शिफ्ट किया गया अस्पताल से जेल। मैडम 2022 में क्या सपा रिपीट करेगी? जी यकीनन यकीनन। कितनी सीटें मांगती है? अभी सीटें तो अब यहाँ कैलकुलेट नहीं की है मैंने, लेकिन सपा ही सत्ता में आएगी। अच्छा पंचायत चुनाव में जो सपा ने जो रामपुर में 11 सीटें पे कब्जा जमाया था और बीजेपी ने 7 थे, उसके बाद भी जो है जो इन्हीं का जो देखिए जिस तरह से पूरे प्रदेश में कब्जा जमाया गया वो सभी लोग जानते हैं, इसमें कोई बताने की मेरे बात नहीं। अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं बीजेपी के गुंडे जो हैं वो रोड पे हैं, जिस तरह से ये योगी आदित्यनाथ के इशारे पे काम हुआ है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए मैं अपने नेता पे तो कोई कमेंट नहीं करूँगी, बीजेपी को लेकर जो वो कह रहे हैं वो ठीक ही कह रहे हैं।